तो जैसा आप देख रहे हैं हमारे चयनित अभ्यर्थियों की कड़ी में देवनंदन जी हमारे साथ आए हैं। ASI के पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। आ जाओ। ये भी 2019-20 उसी दौर के हैं जिन्होंने गांधी चौक पे शिक्षा पाई, और इसको देखकर नाराज होते होंगे कि सर ने हमको ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं दिलवाई है ना। तो अब मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये आप खुद अपनी जर्नी बताएंगे और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आओ बैठ के बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को जय जोहार। और अब जर्नी का क्या कहें सर, बहुत लंबा सफ़र है। वैसे भी सब जानते हैं CGPSC कैसा है, 2-4 दिन साल भर का तो है नहीं, ज़िंदगी के हमारे जो हसीन पल जो जीने चाहिए हमको उनको ले डूबता है। सही बोला ना मैंने? अब सबसे पहले तो मैं आप सभी को अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम देवनंदन है, और जैसा कि पीछे लगा हुआ है ESI में मेरा इस बार हुआ है। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट 2019 का था जिसमें मेरा प्रिलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था, फिर सेकंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट जो था वो प्रिलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ था, और अभी ये 4th अटैम्प्ट था इसमें क्लियर हो गया है। तो एकेडमिक तो जितनी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, मेरे से पहले आने वाले जितने टॉपर्स हैं सभी ने कुछ ना कुछ बता दिया होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ रह गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। सारी चीज़ें लगभग कवर हो चुकी होंगी। अब मेरे पास बच जाता है क्या कि CGPSC के एकेडमिक को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हम CGPSCians के लिए हो सकती हैं, ठीक है, उन पर बात करना मुझे थोड़ा सा सही लगता है ना। क्या कहते हैं आप लोग, किस बारे में चर्चा करें? अब आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप ही जैसा हूँ, कल वहाँ बैठता था, आज यहाँ बैठा हूँ। कल आप में से भी बहुत से ऐसे होंगे जो वहाँ बैठे हैं वो यहाँ बैठेंगे, है ना। तो फैमिली बैकग्राउंड या इकोनॉमिकल कंडीशंस, अदर प्रेशरफुल कंडीशंस, उन सब पे चर्चा करके सबका एक जैसा होता है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास कुछ फैमिली सपोर्ट का दिक्कत है, किसी के पास और कोई प्रॉब्लम है, है ना। सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हमें CGPSC के हर उस दौर से गुजरना पड़ेगा जो ज़िंदगी में हमको इतना सक्षम बना देगा, अगर जॉब लगता भी नहीं है किसी कंडीशन पे, तब भी हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से चला लेंगे, सेटल कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले मेरे जितने दोस्त यार हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं एक चीज़ बोलता हूँ, CGPSC एक बहुत बड़ा दलदल है, है ना। किसको किसको फील होता है CGPSC एक दलदल है, नहीं लगता? अच्छा मुझे एक बात बताओ, CGPSC के प्रिपरेशन में उतरने के बाद कोई इसे छोड़ पाए हो? चाहे वो 4 साल हो, 5 साल हो, 10 साल भी इवन हो जाता है लोगों को तैयारी करते करते, छोड़ पाते हो क्या? दलदल में उतरने के बाद निकल पाते हो क्या? सिमिलैरिटी दिख रही है? अब दलदल में जब तक डूबोगे नहीं पूरी तरीके से, तब तक स्वर्ग मिलने से रहा, है ना। और CGPSC में जब तक डूबोगे नहीं तब तक हम CGPSCians के लिए जो स्वर्ग होता है पोस्ट, वो मिलेगा नहीं, समझ रहे हो। बस यही है और कुछ नहीं है। और दूसरा एक चीज़ और कि कहते हैं समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, है ना। इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहूँगा कि समय से पहले तो नहीं लेकिन मेहनत से कम, वक्त की जगह मेहनत से कम किसी को नहीं मिलता, या मैं ऐसे कहूँ कि समय से पहले और मेहनत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। एक समय आएगा और दूसरा जितना मेहनत किया उसका परिणाम देके जाएगा, ठीक है। एक और अपना इंसिडेंट मैं बता देता हूँ छोटा सा। नीर निधि नंदेहा को शायद तो ऐसा कोई हो जो नहीं जानता होगा, है ना, सभी जानते हैं ना, हाँ सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से। तो हम लोग एक बार सेंट्रल लाइब्रेरी में मिले थे, तो मैंने उनसे कुछ सवाल किया था, तो उन्होंने बोला था कि देखो इसमें जितने बैठे हैं सबका होना है, आज नहीं तो कल होना है, एक टाइम आएगा और आपका पोस्ट लगा हुआ है, लेकिन उस टाइम का इंतज़ार करना है और उस पोस्ट को लेने के लिए मेहनत करना है। बस पोस्ट लगा हुआ है, बस यही मान के चलो, फुल कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। मैं भी बहुत अपना टाइम लगा है, मेरे लिए भी 4-5 साल का दौर छोटा टाइम नहीं होता, और हुआ है, सबका होता है। और वो जितनी बाधाएं हैं, पैसे वैसे वाले जो मामले हैं, CGPSC पे उठने वाली जो उंगलियां हैं उनको दरकिनार करते हुए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें बढ़िया से, और
होगा सबका, कोई दिक्कत नहीं, ऑल द बेस्ट सबको। आप लोगों को कोई अपना बैकग्राउंड बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं शुरुआत अगर मैं कहूँ CGPSC के बारे में, तो दिल्ली आई से मेरा कर्म भूमि है, अगर मैं ऐसा कहूँ। पुराना वाला जो बिल्डिंग है उसको देख के आज भी मैं जब उस रास्ते से गुजरता हूँ तो याद आता है कि यही हमारा अकेडमी था। वहाँ से स्टार्टिंग, तो CGPSC के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ये था कि हाँ मुझे करना है CGPSC, सिविल सर्वेंट ही बनना है। लेकिन वहाँ से दौर शुरू हुआ जानने का, और सर के जरिए से बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जानकारी मिली, जैसे सर ना कई बार ओपन चीज़ें रखते हैं, ज़्यादा कुछ छुपाना वाला बात नहीं है। जैसे आम जीवन जैसे हम लोग का चल रहा है ना, कि रिलेशनशिप्स वाले मामले पहले भी सर बोला करते थे, आज ही नहीं पहले से मॉडर्न है सर, बहुत पहले से है ना, वो हम लोग के टाइम पे भी अच्छे अच्छे से समझाते थे। हमारे टाइम पे तो एक ऐसा सिचुएशन था कि सब मिक्स बैठा करते थे, तो सीट बुक है ना, सीट बुक रहा करता था, अगर मैं बैठा हूँ तो मैं बगल में एक सीट बुक रखूँगा, है ना, तो वो वाला मामला काफ़ी था। तो फिर सर एक बार वहाँ पे भी हुआ था ये सब, तो वहाँ भी पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे कि किसी को किसी के लिए सीट बचा के नहीं रखना है, भाई पहले आओ पहले बैठो, कोई अगर बैठना चाहता है तो बैठे, तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा बचना है ना। और मेरा अगर मैं बैकग्राउंड बताऊँ तो कुछ नहीं है, 10th 12th में टॉपर रहा, ग्रेजुएशन आते आते ख़त्म हो गया कहानी, समझ रहे हो ना। ग्रेजुएशन में मैं सच बताऊं, 10th में मेरा आया, 12th में आया 90%, ग्रेजुएशन में आया 62%। BSc मैथ्स मैंने किया, अब वो भी कहाँ से सुनोगे तो और हंसोगे, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से, समझ रहे हो। तो वही है, ज़िंदगी बहुत खेल खेलता है, मेरे साथ भी बहुत खेल खेला है। शुरुआती दौर जब मैं 12th के बाद अगर कहूं, तो 12th के बाद एक्चुअली मैं UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गया था। फिर वहाँ चाणक्य IAS अकेडमी, आप लोग को पता होगा, वहाँ पढ़ता था। फैमिली कंडीशंस थोड़े बिगड़े तो मुझे वापस आना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने BA में एडमिशन लिया था अपने यहाँ लोकल कॉलेज में। फिर स्कूल टॉपर था, तो इंस्पायर स्कॉलरशिप आप लोग को पता होगा, पता है, कुछ लोग जानते होंगे, उसका लेटर आया मेरे पास, मैं नॉमिनेट हुआ था उसके लिए। तो मुझे करना था BSc और MSc, तो उस टाइम पे सारे एडमिशन्स क्लोज हो चुके थे। तो मेरे जो सर थे उन्होंने बताया कि डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी कभी भी एडमिशन लेगा वहाँ चले जाओ और कर लो BSc, तो मिल जाएगा आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप। ये सर को भी मैं किसी को नहीं बताया हूँ, एकदम कुछ लोग ही जानते हैं इन सब के बारे में। तो फिर एडमिशन भी ले लिया, सारा चीज़ हुआ। जब फॉर्म डालने का डेट आया तो मुझे पता नहीं था, एक हफ्ते बस बचा था। तो मैंने जिस कंप्यूटर सेंटर वाले को दिया ना, वो 2-3 दिन तो ट्राई किया, उससे ओपन ही नहीं हुआ साइट, क्योंकि इंस्पायर स्कॉलरशिप का बहुत लार्ज साइट है, वो खुलता ही नहीं अच्छे से। तो फिर एक और दूसरे कंप्यूटर सेंटर वाले को मैंने दिया, तो वो बोला कि रात को 3 या 4 बजे ये ओपन होगा, तो मैं कर दूंगा। और किस्मत देखो, मेरे से जस्ट पहले एक लड़का आया था, वो भी इंस्पायर स्कॉलरशिप का लेके। अब किस्मत इतना ख़राब, 3 दिन उसने ट्राई किया, उस वाले बंदे का हो गया और मेरा नहीं हुआ। तो मेरा BSc करने का भी कोई अर्थ नहीं रह गया, क्या अर्थ रहा। अगर मैं BA करता तो शायद मैं पॉलिटी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा हो जाता। BSc करने का वैसे भी कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है, मैं सच बताऊँ तो, बस नाम मात्र का डिग्री लेके कि हाँ हमारे पास डिग्री है हम कर सकते हैं, बस इतना ही है ना। हमारे पास CGPSC क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया जो होता है ना, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो यही सब दौर चला, फिर कॉलेज पास आउट हुए, तैयारी चालू किए, 4 साल कैसे बीता पता ही नहीं चला, ये 5वां साल का दौर जिसमें आपके सामने बैठा हूँ, बस इतना ही है ज़िंदगी और कुछ नहीं है। इसमें और बहुत सारे उतार चढ़ाव है, लेकिन ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ सवाल बचे हैं आप लोगों के, एनीवन? देखो भाई, आगे पीछे किसी के पास हो तो कुछ सवाल। हाँ, मतलब धीरे धीरे बच्चे आते जाते हैं, तो हालांकि सब बैचेस में आए हैं। उसने पूछा है कि आपके बगल वाली का हुआ कि नहीं।
बताओ बात, आप लोग भी ना चाय से ज्यादा केतली गर्म। नहीं मैं बता देता हूँ, एक्चुअल में ना मैं कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं बगल में अपना सीट रख सकूँ एक किसी के लिए। सच बोल रहा हूँ, नहीं मिला मौका, क्योंकि पढ़ाई में ही ऐसा टाइम निकल जाता था ना कि वो क्लास में किसी बगल में कोई बैठा है या नहीं बैठी है कि क्या है, वो देखने का टाइम नहीं रहता था। और सर कभी रह गए तो आजू बाजू इधर उधर किए। तो आप लोग को दीप सर का मैं किस्सा बताता हूँ। दीप सर और उनका नज़र ना, मैं उस टाइम पे ना एक येलो और ब्लैक कलर का टी शर्ट पहनता था। तो एक दिन ना ऐसे एकदम स्ट्रेट बीच में बैठा था, सर ना अचानक ये अल्टीमेटम दे के रखे थे, कल जो मैं पढ़ाया हूँ याद करके आना है, और जो नहीं बोल पाएगा उसको मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, वो चल रहा था टॉपिक जिला गठन का, कि कौन कौन से वर्ष में जिला गठन हुआ है। तो पता नहीं क्या हुआ, सर सबसे पहले मुझे ही उठाए। मैं अक्सर ये रहता था कि सर एकदम बाई चांस ही उठाते थे, मतलब मैं कभी पढ़ा ही नहीं था इस सिचुएशन में, और आए क्लास में बैठे, ब्लैक टी शर्ट, उठ जाओ। मैं आजू बाजू देख रहा हूँ, हाँ हाँ तुम्ही को बोल रहा हूँ, तुम्ही को उठो। मैं उठा, चलो बताओ जिला गठन पूरा लाइन से स्टार्ट टू एंड। मैं बताते बताते गया, एक ही जिला मेरे से रह गया। तो वो भी जिला कौन सा था मैं बताऊँ, जांजगीर चांपा जिला, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो सर पूछे कि कहाँ से तुम, कहाँ से हो करके। तो मैं बोला सर जांजगीर चांपा जिले से। तो वही तो तुम भूले हो करके। फिर थोड़ा बहुत डांटे, ज़्यादा कुछ नहीं बोले, जाओ क्लास से बाहर बोले। तो मैं थोड़ा रोने जैसा शकल बना दिया, फिर बोलते हैं चलो ठीक है बैठ जाओ, है ना। तो ये सब घटना होते रहता है, और ये क्लास में होना भी चाहिए, और इसके मामले में तो कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, डेली स्ट्रेटजी क्या होती है तुम्हारी? डेली स्ट्रेटजी अगर मैं कहूँ, डेली रूटीन बेसिकली हो जाना समझ गया। डेली रूटीन ना, मैं सच कहूँ सबका अपना अपना होता है, किसी का कोई फॉलो नहीं कर सकता, किसी का भी नहीं, इवन किसी का भी, समझ रहे हो बात को। मेरा हैबिट है कि मैं रात को देर से सोता हूँ, सुबह देर से उठता हूँ। कई लोग का हैबिट ये होता है कि रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, है ना। तो स्ट्रेटजी ये होता है डेली बेसिस पे, कि वो आपके कंफर्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने कंफर्टेबल हो किसी चीज़ को लेकर। सर का बोलना ये रहता है कि कंफर्टेबिलिटी में पढ़ाई नहीं होती, इसीलिए वहाँ एसी वगैरह कुछ नहीं लगवाए थे। बेटा भुगतो इस सिचुएशन को, समझो, है ना सर। जब मैं अभी भी चिंता में रहता हूँ कि ये लोग यहाँ तो 3 घंटे एसी में बैठ जाते हैं, ना इनके रूम में एसी है, ना ये जहाँ परीक्षा देने जाएंगे वहाँ एसी होगा, इनकी परीक्षा भरी मई और जून की गर्मी में होगी। तो मैं ये एसी देकर आपको सुधार नहीं बिगाड़ रहा हूँ, मैं अभी भी इस पर, इनको लगता है मैं इन्हीं के एसी के बचे पैसे से ही महल खड़ा कर लूँगा। पर अब क्या है कि व्यवस्था है, सबकी सुविधा है, पर और दूसरी बात, जब आप एसी के बिना हो तो मैंने कौन सा चैम्बर लगा लिया है यहाँ पे, और आपसे ज़्यादा आराम पसंद तो मैं होऊंगा ही थोड़ी बहुत, तो मैं भी उसी परिस्थिति में बैठा हूँ जिसमें आप बैठे हो। आप समझ नहीं रहे हो, यदि आप टेडी बियर बन गए ना, जो टेडी सॉफ्ट टॉयज वाले, तो उस दिन आप परीक्षा कैसे दोगे? आपका तो पूरा गर्मी में ही बर्बाद हो जाओगे, आप लिखोगे कैसे? सरकारी स्कूल में पंखा भी ना चले, जो लोग मेंस दिए हैं उनसे पूछना। तो प्री तो फरवरी में होता है, फिर भी सह लोगे, मेंस कैसे सहोगे? कोई वहाँ एसी देते हैं, कूलर देते हैं? तो सोच के देखो कैसा करोगे। लेकिन उन कंडीशंस ने हम लोग को बहुत स्ट्रांग बनाया था। जब हम कोचिंग में बैठा करते थे ना, एक हाथ में रुमाल, दूसरे हाथ में पेन चल रहा है, तो वो सिचुएशन एक अलग लेवल का था। सर भी पसीना पोंछते थे फिर पढ़ाना चालू, है ना। यहाँ तो ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ अभी तक, नहीं तो अब वहाँ वाले सेंटर पे अगर हम लोग इतना देर बैठते, मतलब पीछे से पसीना बह रहा है ना। वहाँ का सिचुएशन था, और उस सिचुएशन ने हमको बहुत अच्छा बनाया है। रूम में भी पढ़ाई के लिए इवन लाइन कट जाता था तो हम लोग फ़ोन का टॉर्च ऑन करके भी बैठ लेते थे, ऐसा ऐसा सिचुएशन था। क्योंकि अक्सर होते रहता है, बारिश का मौसम आया, लाइन कट गया, कुछ और हुआ, है ना। वहाँ पे भी कोचिंग सेंटर जहाँ पे एग्ज़ाम देने जाओगे, प्रीलिम्स में भी ठीक ठाक चलो हालत रहेगा, लेकिन जब मेंस में जाओगे ना, मेंस के लिए जो जो दिए होंगे मेंस, अगर इस बैच में होंगे ना, तो उन लोगों को पता होगा वहाँ का सिचुएशन। टेबल हिलते रहेगा, कभी स्टेबल नहीं रहेगा,
मैं सच बताऊं तो मेरा पहला पेपर जो हिंदी का था, मैं वैसे ही हिलते टेबल में लिखा हूं। अच्छा, ये तो अलाउ करते होंगे ना कि टेबल से नीचे रख करके लिख लो? नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कई लोग लेके जाते थे, वो जो दफ्ती लेके जाते हैं ना, हाँ, वो जमा करवा देते थे, नहीं लिख सकते करके। तो मुश्किल है यार, क्योंकि यहाँ तो इन लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस आप लोग को करना पड़ेगा। टेबल घर में टेबल में प्रैक्टिस करना। टेस्ट सीरीज तो देंगे ही सब। टेस्ट सीरीज के मामले में कोई संकोच नहीं करना है किसी को, टेस्ट सीरीज देना है। मैं अपना बताऊं, मैं आज तक हो गया कभी टेस्ट सीरीज नहीं दिया हूं। तुमको देना है, लेकिन तुम लोग को देना है। अगर 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 मैं सही बताऊं, अगर मैं टेस्ट सीरीज अच्छे से दिया होता तो शायद मेरा रैंक, पता नहीं, 216 रैंक है मेरा, है ना, तो शायद सामने का 2 नहीं रहता या पीछे का 1 नहीं रहता, ऐसा सिचुएशन होता। मैं सच बताऊं, पोस्ट मुझे मिल गया है, लेकिन शायद मैं इस रैंक से खुश नहीं हूं। मैं कहूं तो ईमानदारी से एक्सेप्ट करना बड़ी बात होती है कि मैंने जो पढ़ाई की उसमें क्या कमी रह गई। और वो खुद कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज यदि वो देते तो रैंक थोड़ी इम्प्रूव होती। और ये बात तो है ही, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। कोई और पूछा गया है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। प्री पास आ रहा है, इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। टेस्ट सीरीज दिलाते ही डर के कारण हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाते हैं और पेट दर्द करने लग जाता है। डर से बचने के उपाय? 3 इडियट्स मूवी देखे हो? बाबा रणछोड़ दास कुछ कह के गए हैं। 3 इडियट्स मूवी देखे होगे ना, है ना, क्या कहे हैं? हमारा दिल बहुत बड़ा, समझ रहे, बुद्धू है, तो इसको क्या करो, और बुद्धू बनाओ। और क्या बोलो? ऑल इज वेल, समझ रहे, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में। जो पड़ाव आएगा सब बढ़िया है। और कभी किसी चीज में अगर कमी हो रहा है, मतलब संसार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, वो कमी का कारण है, और वो कारण आगे जाकर आपको बहुत अच्छा फल देके जाएगा। समझ रहे हो, हर चीज एक कार्य कारण सिद्धांत तो आप सभी को पता है कि किसी ना कुछ घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो आज ये कारण होगा तभी कल वो घटना होगा, है ना। तो बस उतना ही है, बस रिलैक्स करो, कुछ नहीं, डरना नहीं है, पैनिक तो किसी कंडीशन पर नहीं होना है। इवन इंटरव्यू का कंडीशन जो रहता है ना, मैं इंटरव्यू पे गया, मैं मुझे भी डर लग रहा था काफ़ी जाके, एकदम से क्या बोलूँगा, क्या होगा, कैसे होगा। और सबसे लास्ट में था, इवन फर्स्ट डे पे मेरा सबसे लास्ट था, तो डर के मारे सब लोग बोल रहे थे 20 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट चला। मैं थोड़ा घबराया हुआ सबसे लास्ट में, मैं नॉर्मली गया, अब थोड़ा सा डर तो लगा, फिर बैठो रिलैक्स कराया उन लोग, कुछ सामने से बोले, हाँ देवनंदन, हाँ आइए बैठिए, रिलैक्स कीजिए आराम से, सोनवानी सर के बोर्ड में था मेरा तो तो वो वाला जो पैनिक कंडीशन है ना, वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और ये प्रीलिम्स के लिए पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़े हो बहुत सफिशेंट है, जितना सर पढ़ाते हैं मोर देन सफिशेंट है। सर क्या बोलते हैं पता है, हम लोग को पहले बोला करते थे UPSC CGPSC, समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में मैं छोड़ रहा हूँ। अब तुमको ऊपर जाना है कि तुमको नीचे आना है, वो तुम पर डिपेंड करता है। आजकल बोलते हैं सर, नहीं बोलते अब तो UPSC CGPSC के बीच UPPCS के भी ऊपर ले जाके छोड़ रहा हूँ। अब बताओ, अब लेवल थोड़ा बढ़ गया है PSC प्री का, तो अब तो UPSC के आसपास ही छोड़ता हूँ, लेकिन ये लोग पकड़ पाए जो मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, तो बस है? वही है, फॉलो उसी को करना है। अब सर इतना कुछ बोलते हैं, इनका बात सुनते रहो, समझते रहो, वो पेपर में ऑटोमेटिकली लिखाते जाएगा। एग्ज़ाम निकालना है तो नींद का त्याग करो कहते हैं, लेकिन मैं रात में जगूं तो दिन बर्बाद। तो भैया पूरी रात जागने किसने कहा यार? आप यदि 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे सोइए, 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे सोइए कम से कम, इतना तो सोना ही पड़ेगा ना। सोओगे नहीं तो फिर तो इंसान दुनिया में किसी भी चीज़ के बिना रह सकता है सिवाय नींद के। डॉक्टरों ने प्रयोग किए और प्रयोग में पाया कि इंसान सबसे ज़्यादा किसी जल कब मरता है, तो उसमें जवाब आया जब वो इंसोमैनिक हो जाता है। इंसान की मौत का सबसे इमीडिएट कारण नींद होती है, तो नींद का तो कोई उपाय ही नहीं है, है ना। मोह माया से कैसे बचें? माँ बाप की शक्ल देख लेना बेटा, अपने याद करो, तो माया तो याद नहीं आएगी और मोह छूट जाएगा उसका, है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब बाहरी दुनिया आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करने लगे, तो एक बार उन लोगों को याद करो जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि तुमसे उनकी ज़िंदगी बदलेगी। और इससे ताकतवर चीज़ कुछ नहीं होती, अपने आप को
मोटिवेट करने के लिए, है ना। चलिए तो फिर थैंक यू आप सभी को और ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए सभी।